हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि आपका रीजनिंग का जो काउंटिंग फिगर है उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको किसी भी फिगर में ट्रायंगल को कैसे काउंट करते हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को वहां पे बताया है, और उस पे बेस्ड मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज हम लेक्चर 2 देखने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी भी फिगर में आप स्क्वायर कैसे काउंट कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसी पे बेस्ड होने वाला है। आप लोगों को पता ही है कि जो आपका सीजीएल 2020 का एग्जाम होने वाला है, या फिर जो सीपीओ का नोटिफिकेशन कल ही आ चुका है तो आप उसके लिए, या फिर सीएचएसएल का एग्जाम जो कि अगस्त में होना है, मार्च में वो हो रहा था लेकिन वो कोविड के कारण डिले हो गया है। तो इन सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें आपके काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास है ये तीनों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके कुछ फिगर्स लिए हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले सबसे सिंपल फिगर से बताऊंगी, फिर हम धीरे धीरे आगे और अच्छे फिगर की तरफ चलेंगे, थोड़ा से टफ फिगर की तरफ चलेंगे, उसमें हम स्क्वायर्स को गिनना सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे आपका सिंपल फिगर है वो क्या है, ये आपका है। देखिए आपको याद रखना है कि आपका कोई भी स्क्वायर है उसमें अगर आपका जो प्लस का साइन आता है तो उसमें जो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते हैं वो टोटल 5 बनते हैं। यहाँ पे हम गिन भी लेते हैं, सिंपल फॉर्म है तो हम आसानी से गिन सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और एक आपका ये बड़े वाला स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे टोटल 5 स्क्वायर आपके हो जाते हैं। तो आपको ये सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म है और इसमें आपको एकदम याद रखना है कि इसमें इस फिगर में टोटल 5 स्क्वायर होते हैं। उसी पे मैंने ये थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लिया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके। देखिए इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आपने देखा ही है इस फिगर में कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो आपका पहले फिगर से ही मिलता जुलता है। तो देखिए इसमें आपके टोटल कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे, तो 5 यहाँ से हो जाएंगे, और फिर अगर आप बीच वाले जो अंदर वाला फिगर है उसको अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो आप अगर बाहर वाले को देखते हैं, बाहर वाले स्क्वायर को देखते हैं तो वो भी आपका एक स्क्वायर है और उसमें आपका प्लस का साइन है। तो यहाँ भी टोटल 5 स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल इस फिगर में आपके कितने स्क्वायर बनेंगे, टोटल 10 स्क्वायर बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं देगा, यहाँ से आपको ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर हैं। आपको फिगर की फिगर अंदर इंडेक्स करके दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्क्वायर्स हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। फिर देखिए यहाँ पे आपने देखा कि आपको स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन है तो वहाँ पे 5 स्क्वायर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, आपको फिर से यहाँ पे एक जो आपको पॉइंट्स है उसे मिलाकर एक और स्क्वायर बनाया गया है। तो अगर आप इस फिगर में आप अगर स्क्वायर्स गिनते हैं तो आप देखेंगे कि एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर में आपका प्लस का साइन है। तो आपको पता ही है कि इस फिगर में टोटल 5 स्क्वायर होते हैं, और यहाँ पे आपको देखिए ये चारों पॉइंट से आपको एक और स्क्वायर बनाया गया है। तो इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे, तो इस फिगर में आपके कितने होंगे, 5 तो ये आपके प्लस के साइन वाले होंगे और एक आपका हो जाएगा ये जो आपको बीच में दिया हुआ है जो लाइन्स को मिलाकर बनाया गया है। तो इस फिगर में आपके टोटल 6 स्क्वायर्स हो जाएंगे, ये बात आपको इतनी सी ध्यान रखनी है। तो चलिए कुछ आगे और फिगर्स देखते हैं। देखिए ये तो आपका फ्रेंड्स पहला कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने आपको बताया, फिर हम आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिया हुआ है। देखिए ये जो फिगर है फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि कितने स्क्वायर हैं। तो इसमें आपके 2 टाइप बनते हैं, इसमें आपके टोटल 2 टाइप बनते हैं। तो सबसे पहले आपका ये टाइप 1 हो गया, तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स को गिनेंगे, और ये आपका दूसरा टाइप हो गया, उसके बाद हम इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर को गिनना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी ये ऐसा फिगर दिया हुआ रहता है उसमें आपको दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ कॉलम और रोज दोनों तरफ बराबर है तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होते हैं, देखिए आपका नंबर ऑफ रोज आपका 1, 2, 3 उधर भी हो गया और 1, 2, 3 इधर भी हो गया, मतलब आपके रोज एंड कॉलम्स दोनों बराबर हैं, तो आपको कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर को काउंट करना है। तो इसे आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, आराम से काउंट कर सकते हैं, आपको पूरा गिनने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों बराबर हैं तो
तो आपको क्या करना है कि आप जो भी सबसे आपका सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसका स्क्वायर लेना है और फिर धीरे धीरे घटते घटते आपको 1 तक या फिर 0 तक जाना है, क्योंकि अगर आप 0 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 0 ही आता है, तो आप लास्ट 1 तक जा सकते हैं और बस उसी को आपको तीनों को, यहाँ पे 3 तक है तो आपको तीनों को जोड़ देना है, अगर आपके 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हो गए तो वहां पे आपको 4 का स्क्वायर ही लेना है, तो इस तरीके से आपको स्क्वायर लेकर ऐड कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पर से, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो आपके इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो आपके 14 हैं। ये आपको ध्यान रखना है जब आपको रोज एंड कॉलम बराबर दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको काफी ज्यादा सिंपल करके बताया है चीजों को। फिर देखिए हम दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम काफी ज्यादा, ये काफी डिफरेंस है, अलग अलग है, तब हम कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर को निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले रोज एंड कॉलम की गिनती कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपके, आपको यहाँ पे कैसे नंबर ऑफ ये स्क्वायर काउंट करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में जो नंबर सबसे बड़ा है उसे लिख लेना है। तो सबसे बड़ा ये नंबर ऑफ रोज में क्या है आपका 5 है और कॉलम में क्या है 4 है, तो आपको क्या करना है कि सबसे बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और अब क्या करना है एक एक करके घटाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो आपको 4 लेना है और आपको 4 है तो यहाँ पे इससे एक कम 3 लेना है, जोड़ना है, फिर आपको ये काम तब तक करते रहना है जब तक कि आप 1 तक या फिर 0 तक ना पहुंच जाए, क्योंकि 0 मैं बार बार इसलिए निगलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 0 को अगर आप किसी में ऐड करते हैं तो वो आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, 0 ही आता है। तो देखिए क्या होता है, 5 के बाद आपने 4 किया, फिर आपको कहाँ जाना है 3 जाना है, और फिर देखिए यहाँ पे 3 था तो आपको 2 करना है, एक एक घटा कर लिखना है, फिर क्या है 3 है तो आपको 2 करना है, फिर आपको 2 के बाद 1 करना है, फिर देखिए अगर आप 2 के बाद 1 जाते हैं और 1 के बाद अगर आप 0 जाते हैं तो यहाँ से आपका ये टर्म 0 ही हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो देखिए 5 गुना 4 20 हो जाएगा, फिर अगर आप 4 गुना 3 करेंगे तो 12, फिर 6, फिर 2, तो यहाँ से आपके जो इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे वो कितने आएंगे, देखिए 6 2 8 और 12 और 8 20 और 20 20 40, तो इस फिगर में आपके जो नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे वो टोटल 40 आएंगे। तो इसे फ्रेंड्स हम गिनते कैसे हैं, देखिए ये तो आपका सिंपल हो गया, अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो ऐसे भी गिन सकते हैं। देखिए ये जो आपका 4 है लास्ट का आपका कॉलम हुआ और आपका जो लास्ट का रो हुआ, तो इसे हम लास्ट से लास्ट गिनते हैं। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है, तो इतना कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए फिर आपको 2 गुना 1 कर देना है, इस तरीके से आपकी गिनती होती है। तो इतना कुछ आपको इस तरीके से होता है, लेकिन इतना कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है और इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। तो फिर देखिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपका टाइप वही है जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा टिपिकल फिगर लिया है जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर आपके अंदर फिगर काउंटिंग का डर है तो वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं रो एंड कॉलम को गिनते हैं, तो हम सबसे पहले गिन लेते हैं यहाँ पे आपके कितने रोज एंड कॉलम है। तो देखिए यहाँ पे आपके टोटल 5 रोज हुए, उसके बाद हम कॉलम की गिनती कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके 6 रो एंड 6 कॉलम्स है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना है तो आपको पता ही है कि अगर आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े नंबर को लेना है और उसे बस उसका स्क्वायर कर देना है और फिर एक एक करके घटाते घटाते आपको 1 तक पहुंच जाना है और सबका स्क्वायर करते जाना है। तो बस आपको सिंपली यही करना है और आप ये करते जाइए, आप आसानी से कुछ ही सेकंड्स में अपने आंसर को पा लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, अब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 16, 9, 4, 1, तो फिर हम इसे ऐड करके सिंपली लिख लेते हैं और वही जो आपका ऐड करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30, तो अगर आप 30 और 25 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 55 आएगा, उसे आपको 36 में ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 6 और 5 11 हो गया, 5 3 8 और 1 9, तो इस फिगर में आपके जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल 91
स्क्वायर्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि आपने जो पिछली स्लाइड में देखा है ये बिल्कुल टैप वन की तरह है, जो जिसमें कि आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर है। फिर देखिए हम दूसरा टाइप देखते हैं, ये कि जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर नहीं होते हैं। देखिए इस फिगर में देखिए आपका टाइप टू, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्वेश्चन सेम ही है, बस मैंने थोड़ा सा फिगर को कॉम्प्लिकेट बना दिया है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम की गिनती करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके 6 नंबर ऑफ रोज हैं, फिर हम कॉलम की गिनती कर लेते हैं, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि आपको सबसे पहले बड़े नंबर, दोनों तरफ जो बड़े नंबर है उसे आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर एक एक घटाकर आपको मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए। तो देखिए 5, फिर आप घटाइए, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, 0 तक पहुंचना है, 2 × 1, और अगर आप फिर 1 को अगर 0 करेंगे तो ये आपको 0 ही मिल जाएगा, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। यहां से हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखिए ऐड कर लेते हैं इसे, तो जो आपका ऐड करके आएगा वही इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स की संख्या होगी। तो हम सिंपली जल्दी जल्दी से जोड़ लेते हैं, देखिए 42, 50, 12, 6, 8, 20 और 20, और ये आपका 70 हो गया। फिर देखिए 2, 11, इसमें की इसमें अगर इसमें आपका कितना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में 112 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेट जानबूझ कर लिया है ताकि आपके अंदर से डर हट जाए। फिर देखिए ये आपका एक और फिगर है, ये फिगर फ्रेंड्स आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो इसमें हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स की गिनती कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया नहीं है। देखिए हम सबसे पहले रो एंड कॉलम की बात कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे रो एंड कॉलम की गिनती करें तो क्या होगा आपका, देखिए 1, 2, 3 और 4। फिर अगर हम कॉलम की गिनती करें तो आपके 4 कॉलम भी हो जाते हैं। यहां से मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं तो यहां से आप डायरेक्ट उसे स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो यहां से आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स की गिनती पता लग जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपके आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक एडिशनल फिगर भी दिया हुआ है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई स्क्वायर फिगर दिया हुआ है और अगर उसमें प्लस का साइन है तो उसमें टोटल जो नंबर स्क्वायर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि देखिए 1, 2, 3, 4 और 1 बड़ा वाला 5, मतलब कि इस एक फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 5 हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 फिगर हो गए तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हुए, 20, मतलब कि आपको इसमें 20 ऐड कर देना है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, देखिए 16, 9, 25 और 5, 30 और 20, 50। यहाँ से इस फिगर में आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए, 50 आ गए। तो देखने में ये फिगर आपको काफी ज्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप काफी ज्यादा इजीली इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर देखिए आगे की तरफ चलते हैं, देखिए ये फिगर भी फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ही है कि देखिए आपको मैंने इतना फिगर तो आपको बताया ही है। देखिए ये जो आपका अंदर का फिगर दिख रहा है ये मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपके जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अगर बराबर है तो आप सिंपली इसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है, तो यहाँ से आप 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके जो अंदर का फिगर है उसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है वो आ जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पे आपको बाहर फिर दिया हुआ है, तो बाहर आप देख सकते हैं कि आपका 1 स्क्वायर ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, मतलब 4 नंबर ऑफ स्क्वायर और हैं, 4 स्क्वायर्स और हैं जो कि आपको इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में कितने हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से आप बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स आसानी से मिल जाएंगे। तो क्या होगा आपका टोटल इस फिगर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, तो टोटल 18 नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में, टोटल 18 स्क्वायर्स इस फिगर में हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो काफी ज्यादा देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप काफी ज्यादा इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं सारे फिगर्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं लिया है। तो देखिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है
कि आपके जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, आप सबसे पहले इस फिगर को निकाल लीजिए, और मैंने आपको चार रो एंड चार कॉलम के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे पीछे सॉल्व करके बताया है कि अगर आपको चार रो एंड चार कॉलम दिए हुए हैं तो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। देखिए इस फिगर में देखिए, यहाँ पे भी चार रो एंड चार कॉलम थे, तो वहां पे आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आए थे, सिर्फ चार रो एंड चार कॉलम के लिए 30 आए थे, और 20 फिर भी इसमें आपने ऐड किए थे बाकी फिगर के लिए, तो आपके कितने हैं, यहाँ से आपके कितने आ गए, चार रो एंड चार कॉलम के लिए डायरेक्ट 30 आ गया। फिर आपको यहाँ पे क्या है कि आपको चार स्क्वायर और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि इन चारों स्क्वायर को ऐड कर देना है अलग से, तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। तो कितनी इजीली आप कितना इजीली इन सारे टिपिकल फिगर को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। यही सारे फिगर्स हैं, यही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी के, तो आपको जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा नहीं है, आप मुश्किल से आप अगर इसे 15 मिनट देते हैं तो आप काफी ज्यादा स्मूथली स्क्वायर के काफी किसी फिगर में आपको कैसे स्क्वायर को गिनना है आप आराम से सीख सकते हैं। तो मैंने काफी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की आप लोगों को, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक एंड शेयर करते हैं वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, वहाँ पे इंग्लिश मैथ रीजनिंग जी के सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पे काफी ज्यादा सिस्टमैटिक वे में आपको वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाकर अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।